दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्क्रब मसाज और फेस पैक करने का तरीका किस तरीके से किया जाए। सबसे पहले हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों ये है लोटस अप्रिकोट स्क्रब और इसके साथ में हम मिलाएंगे इवरूथ वेलनट स्क्रब। ये है दोस्तों ऑरेंज जेल स्क्रब। इन तीनों को मिला करके हम इनके चेहरे का मसाज फेशियल करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों लोटस एप्रिकॉट स्क्रब। इस तरीके से पूरे चेहरे पर स्क्रब लगा देना है। लोटस स्क्रब के ऊपर से हम लगाएंगे यह दोस्तों इवरूथ का स्क्रब, इवरूथ वेलनट स्क्रब। इसी के ऊपर से हम मिला करके लगा देंगे। इस तरह से पूरे चेहरे पर लगाना है। यह है दोस्तों गुलाब जल। गुलाब जल डाल करके स्क्रब मसाज करेंगे हम इनके चेहरे का। इस तरीके से आप स्क्रब में गुलाब जल मिला करके आप 4 से 5 मिनट तक के मसाज करेंगे। आपके पास अगर गुलाब जल नहीं है तो आप पानी लगा करके भी मसाज कर सकते हैं। गुलाब जल मिला देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपके पूरे चेहरे में मसाज करना है, मत्थे पर, गले पर, गाल पे, सब जगह। इसके ऊपर हम मिलाएंगे दोस्तों ये है ऑरेंज जेल स्क्रब। ये जेल स्क्रब होता है, बहुत अच्छा होता है। स्क्रब के ऊपर से हम लगा देंगे थोड़ा सा इस तरीके से। इसको लगा करके 5 मिनट तक और हम मसाज करेंगे इनके चेहरे का। तो ये जेल स्क्रब लगाने से पहले हमने 5 मिनट इनके चेहरे का मसाज किया था, उसके ऊपर से हम लगा रहे हैं जेल स्क्रब। इसको लगा करके इसमें गुलाब जल डाल करके मसाज करना है 5 मिनट तक का। और तो इस तरह से आप पूरे चेहरे मसाज करेंगे 4 से 5 मिनट तक का। पाँच मिनट मसाज करने के बाद हम इनके चेहरे पर चलाएंगे दोस्तों मसाजर। ये मसाजर मशीन है, इस तरीके से पूरे चेहरे पर इसको चलाया जाता है। मथे पर चलाना हो तो आप उंगली रख लीजिए, उंगली पे मशीन को रख करके तब चलाइएगा। डायरेक्ट अगर आप चलाते हैं तो मथे पर लगेगा। मथे के ऊपर जब भी आप मशीन चलाइए तो उंगली पे रख करके चलाएंगे तो नहीं लगता है। इस तरह से पूरे पे चलाना है, गले पर, गले में, मथे पर, सब जगह, कान के ऊपर। मसाजर आपको 3 से 4 मिनट तक का या 5 मिनट तक का चलाना है। मशीन चलाने दोस्तों कई फ़ायदे होते हैं। चेहरे पर जो गड्ढे होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। कील मौसक जो निशान होते हैं धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं। उसके अलावा मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन रुका होता है वो ठीक हो जाता है। मसाजर चला देने से चेहरे पर अच्छा निखार आता है, चेहरा ग्लो करता है। तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक का आपको चलाना है। उसके बाद हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों जी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप मसाज चलाने से पहले भी लगा सकते हैं, इनके चेहरे पर हम बाद में लगा रहे हैं। एलोवेरा जेल लगा करके 5 मिनट मसाज करना है आपको। इस तरह से पूरे चेहरे पर मसाज करना है। चार से पाँच मिनट तक इस तरह से
मसाज करिए पूरे चेहरे पर। करीब 10 से 15 मिनट तक के मसाज हो जाता है इस तरह से। उसके बाद हम चेहरे को धुलेंगे। हमने करीब 15 मिनट तक का इनके चेहरे को मसाज किया था, अभी धो रहे हैं इनके चेहरे को। धो करके अभी आपको दिखाते हैं इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखर रहा है, चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। धोने के बाद में हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों फेस पैक। फेस पैक को लगाने से पहले इस तरीके से पूरे चेहरे को धो लेना है, साफ कर लेना है। चेहरे पर जो भी क्रीम मटेरियल स्क्रब लगा हो साफ हो जाए। और दोस्तों फेस पैक या रिटर्न पैक जब भी आप करें, फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को आप स्क्रब कर लीजिए, बढ़िया से धो लीजिए। कम से कम 10 से 15 मिनट तक का आप स्क्रब मसाज करिए, उसके बाद में आप चेहरे पर रिटर्न पैक लगाइए या फेस पैक लगाइए। देखिए इनके चेहरे का निखार, देखिए कितना अच्छा इनके चेहरे का निखार आया है। बहुत अच्छा चेहरा साफ हुआ है, बिल्कुल खिल गया है। बढ़िया साफ करने के बाद में हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों फेस पैक। दोस्तों जब भी आप फेस पैक करिए तो स्क्रब जरूर करिएगा। बिना स्क्रब किए आप फेस पैक लगाते हैं तो असर नहीं होता है। ये दोस्तों रोज़ फेस पैक। स्क्रब मसाज करने के बाद में हम इनके चेहरे पर लगाएंगे इसको। तो बगैर स्क्रब किए अगर आप चेहरे पर फेस पैक लगाते हैं या रिटर्न पैक लगाते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब भी आपको फेस पैक लगाना हो या रिटर्न पैक लगाना हो, चेहरे को आप 10 से 15 मिनट तक का बढ़िया से मसाज कर लें, स्क्रब साफ कर लें, पूरा चेहरे को धो लें, उसके बाद में आप लगाइए। जिस तरीके से हम ब्रश से पूरे चेहरे पर लगा दे रहे हैं, आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो इसको आप उंगली से लगा सकते हैं। फेस पैक अगर सूख जाता है तो इसमें आप गुलाब जल डाल करके इसको पेस्ट बना लीजिए, ज़्यादा पतला ना रहे, ज़्यादा मोटा ना रहे, मीडियम पेस्ट रहता है तो लगाने में आसानी रहती है। तो इतना पेस्ट इसको बनाए कि जितना लगाने में आसानी से रहे, लग जाए, बाहे नहीं चेहरे पर। तो इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं लगाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं लगाना है। इतना लगाइए आपकी स्किन पूरा ढक जाए, कहीं भी स्किन दिखनी नहीं चाहिए। पूरा कवर कर दीजिए गले से लेकर के मथे तक का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इनके पूरे चेहरे पर लगा दिया है ब्रश से, सब जगह आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, सब जगह गले पर, मथे पर। इस तरीके से आप फेस पैक को लगाइए, सब जगह पूरे चेहरे पर पूरा पैक कर देना है। लगाने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, 15 से 20 मिनट तक का ये सूखेगा। हमने इनके पूरे चेहरे पर लगा दिया है, पूरा पैक कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब तक सूखे नहीं, जब तक इसको धोना नहीं है, सूखने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लगा करके करीब 20 मिनट हो गया है, 20 मिनट में सूख गया है जी। अब इसको हम धुलेंगे। इस तरीके से आप हाथ मार करके आप चेक कर लीजिए उंगली से, सूखा है कि नहीं सूखा है। सूखने का आप इंतजार करिए, अगर सूखा नहीं है तो आप इसको सूखने का इंतजार करिए। सूख जाए तो उसके बाद में इस तरीके से पानी मार दीजिए पूरे चेहरे पर, पूरा भीग जाएगा, पूरा छूट जाता है बहुत आसानी से।
इसको हल्का सा मसाज कर लेना इस तरह से, पूरा छूट जाएगा, साफ हो जाएगा। इस तरह चल के हाथ से आप इसको पूरा छोड़ा लीजिएगा पानी मार के। अब हम इसको स्पंज से साफ करेंगे, इस तरह से पोंछ देंगे। अभी धो करके हम आपको दिखाएंगे इनके चेहरे के निखार, इनके चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आया है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छे लगे तो इस वीडियो को हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस तरीके से हम पूरा साफ कर ले रहे हैं पानी मार करके, पूरा धो दे रहे हैं इनके चेहरे को। तो दोस्तों जब भी आप स्क्रब मसाज करिए तो धूप से ज़रूर बचाइएगा। देखिए इनके चेहरे के निखार, देखिए चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। प्लीज़ वीडियो को हमें लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो भी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। जहाँ भी रहें आप खुश रहें, आबाद रहें, हमारे चैनल बने रहें, वीडियो को हमारे देखते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।